नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई की रफ्तार आज सोमवार को थम सी गई। शहर में बिजली आपूर्ति की पावर ग्रिड फेल हो गई, इससे शहर में बत्ती गुल हो गई, साथ ही लोकल ट्रेनें भी रुक गई। मुंबई के अलावा ठाणे के भी कुछ इलाकों की बिजली गुल हो गई। वहीं बृहन मुंबई महानगर पालिका ने जानकारी दी है कि टाटा की बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण मुंबई में बिजली ग्रिड फेल हो गई है। सेंट्रल रेल लाइन पर रेल सेवा ठप हो गई। देश की आर्थिक राजधानी और महानगरी मुंबई में बिजली की सप्लाई अचानक बंद हो गई, पूरी मुंबई में लाइट चली गई। इस पर बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने मुंबई में हुए पावर कट को लेकर ट्वीट किया है। अमिताभ बच्चन ने लिखा कि पूरे शहर में बिजली चली गई, इस किसी भी तरह इस मैसेज को कर पाया हूँ, शांति बनाए रखें और सब कुछ ठीक होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राज्य से हटाए गए अनुच्छेद 370 को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को बहाल करने में चीन से मदद मिल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम में साथ देने वालों को गद्दार बताया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस बार सर्दी की दस्तक से पहले ही वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। आलम यह है कि अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ही दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो गया है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर आंखों में जलन हो रही है। सोमवार को दिल्ली में ITO के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। यहाँ पर सोमवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 पर पहुंच गया। बिहार की राजधानी पटना से खबर है जहां नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री का देहांत हो गया है। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के विधायक विनोद कुमार सिंह का देहांत दिल्ली के मेदांता अस्पताल में हुआ है। दरअसल विनोद कुमार सिंह पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद उन्हें पिछले कुछ दिनों पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंत्री विनोद सिंह के निधन की जानकारी खुद उनके PA राजीव रंजन ने दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में कई गठबंधन तैयार हुए हैं और अब उनमें चुनाव से पहले ही फूट पड़ने लगा है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने PDA गठबंधन बनाया, लेकिन अब चुनाव से पहले ही गठबंधन की गांठें खुलने लगी हैं। इसी कड़ी में PDA गठबंधन में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अलग होने का ऐलान कर दिया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महासचिव मुख्तार अंसारी ने बताया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सीटों पर सहमति न बनने के कारण PDA गठबंधन से उनकी लीग अलग हो रही है। श्रीनगर के रामबन में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है। इलाके में दो आतंकियों के फंसे होने की खबर है। सुबह से ही दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी काल में त्योहारी सीजन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार प्रदेश में महामारी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में त्योहारों से जुड़े किसी भी तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में किसी भी आयोजक कर्मचारी या विजिटर को आयोजन में आने की मनाही होगी। दुनिया के दो देश ऐसे भिड़े कि शहर शमशान में तब्दील हो गए। आसमान से मिसाइल मौत की बारिश कर रही है और नीचे धरती पर लाशों का ढेर लग रहा है। अजरबैजान ने आर्मेनिया सेना की तबाही की कुछ तस्वीरें जारी की हैं। नागोर्नो काराबाख इलाके में चल रहे संघर्ष को लेकर अजरबैजान का दावा है कि उसने आर्मेनी सेना के लश्कर को जमींदोज कर दिया है। अजरबैजान आर्मेनिया में नागोर्नो काराबाख को लेकर 27 सितंबर से युद्ध छिड़ा है। युद्ध में अब तक 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की संभावना है। गोंडा में शनिवार रात जमीन विवाद में एक पुजारी की गोली मारने के मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है। इस घटना के बाद तमाम विरोधी दल योगी सरकार पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसी मामले को लेकर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने सोमवार को तंज कसते हुए कहा कि संत की सरकार में अब संत ही सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने सरकार से साधु संतों की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।